ओसीडी को खत्म करने के लिए हमें क्या टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी को खत्म करने के लिए कौन सी वह टेक्निक है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं और ओसीडी के कंपल्सन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी को खत्म करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना होगा, वह कौन सी टेक्निक है, वह कौन सा फॉर्मूला है जिसे अप्लाई कर हम अपनी ओसीडी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि जो हमें थॉट टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर हम कंपल्शन करते हैं। उस परेशानी से बचने के लिए हम कंपल्शन करते हैं और वह कंपल्शन करते हैं तो हमें एक टेम्पररी राहत मिलती है, और वह टेम्पररी राहत है वह हमें अपना जो बिहेवियर है उससे काट करके रख देती है और सामान्य इंसान से हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। और बहुत हद तक तो लोग यह भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। तो जिस वजह से यह प्रॉब्लम आपको हो रही है उसका हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, उसको देखते हैं कि ये क्या है। ओसीडी में कोई भी आपको थॉट आ रहा है, सपोज करिए कंटेमिनेशन ओसीडी है, बार बार हाथ धोने का, बार बार नहाने का मन कर रहा है, या चेकिंग वाली ओसीडी है, बार बार दरवाजा चेक करने का मन कर रहा है, या रिलीजियस ओसीडी है जिसके अंदर आपको बार बार मत्था टेकने का मन कर रहा है, बार बार मन्नत मांगने का मन करता है, तो आपने थोड़ा सा इसमें बैक जाते हुए यह समझना है कि जब मेरे को यह प्रॉब्लम नहीं थी तब मैं कैसा था या कैसी थी। उस समय में आप अपने आप को लेकर के चले जाएं और वहां जाने के बाद वर्तमान सिचुएशन में आप अपने कंपल्शन पर हंसे। फील्ड की यह टेक्निक है काफी सॉलिड टेक्निक है, इसको थोड़ा समझ करके अप्लाई करना है कि आपका जो वर्तमान का कंपल्शन है, थॉट है, कंपल्शन है, उसके ऊपर आपने हंसना है। जितना आप इस कंपल्शन पे टाइम निकाल कर हंसोगे उतने ज़्यादा आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वह टूटने लगेंगे, और जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की जो चेन है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके टूटेंगे उतनी ही जल्द आपको ओसीडी के अंदर राहत मिलेगी। तो इस तरीके से आपने समझना है, आपने अपने कंपल्शन पर, अपने थॉट्स पर हंसना है, समय निकालकर हंसना है, अपने ऊपर नहीं अपने कंपल्शन के ऊपर हंसना है। और जितना आप हंसोगे आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम टूटते जाएंगे, आपका जो नेगेटिव विश्वास है वह हिल जाएगा, आपका ओसीडी का जो पैटर्न है वह खत्म हो जाएगा। चाहे ओसीडी हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, इंसोमेनिया हो, हाइपोकांड्रिया हो, ओवरथिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, कोई भी मानसिक समस्या हो, उसके अंदर आपने यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो इसके अंदर बहुत सारा राहत आपको मिलेगा। वीडियो काफ़ी छोटी है बट इसके अंदर बताई गई टेक्निक बहुत ही सॉलिड है, इसको आपने अप्लाई करना है। इसके माध्यम से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपकी ओसीडी कोई भी मानसिक बीमारी हो जड़ से खत्म होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।